मेरा नाम संजीव कुमार पात्रा है। मैं बाय प्रोफेशन एक केमिकल इंजीनियर था। अभी तो जॉबलेस हूँ। 498 के कारण मेरा जॉब चला गया। उसके बाद मैं भी कुछ 498 ये कुछ हेल्पलाइन के साथ एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे मेंस राइट्स एसोसिएशन, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, प्रोटेक्ट इंडियन फैमिली फाउंडेशन, एनजीओ जो है उनके साथ कुछ काम कर रहे हैं हम लोग भी। और हम लोगों के लिए ये एक आशा का किरण है, 498 वेडिंग की एक आशा का किरण है, जो हम जैसे उम्मीद महिलाओं की तरह प्रताड़ित मर्द हैं आज के दिन में, जो जेंडर बायस लॉ होते हैं उनके ऊपर एक आशा का किरण है। 498 क्या है? 498 सिंपल एक है, क्रुएल्टी। क्रुएल्टी कुछ भी हो सकता है। क्रुएल्टी आप आपका बीवी को मारते हो वो क्रुएल्टी होता है, आप आपका बीवी को गुस्से से देखते हो वो क्रुएल्टी होता है, आप बीवी को कुछ नाम से अगर बोलते हो वो क्रुएल्टी हो सकता है, आप बीवी को फ़ोन से कुछ भी बात करते हो अगर डार्लिंग भी बोलते हो आजकल वो भी कोई क्रुएल्टी बोल सकती है। ये सब जो है औरत मतलब वुमेन्स आर मिसयूजिंग दिस लॉ। लेकिन आप जॉबलेस क्यों हो गए? जॉबलेस हो गया, मेरे ऊपर मेंटली हरासमेंट हुआ और 498 के कारण मेरा नौकरी चला गया। 498 एक क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, ये कॉग्निजिबल है और कंपाउंडेबल भी नहीं है। 498 जो कंपाउंडेबल है आंध्र प्रदेश में ही सिर्फ कंपाउंडेबल है और इसी के कारण मेरा नौकरी गया। क्रिमिनल केस हो गया तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगा। क्या आपने क्रुएल्टी किया था अपने वाइफ पर? नहीं, मेरा केस में शायद मेरा बीबी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत औरत रही होगी, जो उस ना उसके मैरिटल रिलेशन ठीक था, मैरिटल होम में रही थी, ना वो अपने सास ससुर की सेवा की, ना उसका हस्बैंड के पास रही, वो उनके माँ बाप के पास रह के भी मैं उनके घर पे जाता था, मिलते थे, फिर भी मेरे ऊपर 498 केस लगा गया। मतलब आप बोल रहे हैं एविडेंस नहीं था, कुछ प्रूफ नहीं था, फिर भी आपको अरेस्ट वगैरह करना? अरेस्ट मैं मेरे को एविडेंस कुछ नहीं था, मेरे ऊपर कुछ केस नहीं था। सडन ऐसा मेरे को बोला गया तुम्हारा नाम पे एक एनसी दिया गया है लोकल पुलिस स्टेशन में, थाने में एक पुलिस स्टेशन था वहाँ पर केस दिया गया है, एनसी था। एनसी ने सडन में ऐसे एक फ़ोन आया ऑफिस को, ऑफिस से फ़ोन आया कि तुम्हारे ऊपर एक पुलिस स्टेशन का फ़ोन आया है, सो एंड सो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है आपके ऊपर एक केस है, एनसी है। पुलिस स्टेशन को जब गया, पुलिस स्टेशन भी बोला कि मैरिज को ऐसा ब्रेक मत करो, लड़की को समझाया, बहुत सारे समझाया। बाद में पुलिस वाले कुछ बोले कि 6 महीने तक कुछ रिलेशन मत रखो। रिलेशन के बाद में कुछ दिन के बाद में मेरा मेंटली ये हुआ, मैं थोड़ा सा घर चला गया था कुछ समय छुट्टी लेके। उसके बाद दौरान वो 498 का केस कुछ दिनों के बाद देखता हूँ तो मेरा 498 केस। मैं मेरा बच्चे को एक बार मेरे बच्चे को ऊपर फ़ोन करने के लिए कोशिश किया था, बच्चे को जैसे फ़ोन करने के लिए मेरे को मिला नहीं बच्चे को फ़ोन पे, तभी वो मैं जैसे ही बोला मेरे बच्चे को थोड़ा सा मेरे को बात करना है, उसका जन्मदिन था, एक बाप के हिसाब से मेरे बच्चे को मिलने का सबका हक है, जैसे माँ का हक है वैसे बाप का भी हक रहता है। हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? हम भी हमारे माँ बाप हमारी माँ बहन भी एक औरत है। आपका बच्चा आपके साथ है? नहीं, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है। 2 साल से मेरा बच्चा को मैं देखा नहीं, मैं अभी तक वो कैसा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे दिखने में है, अभी मैं देखा नहीं अभी तक। और ये मूवी जो आ रही है ये इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको? हम ये आशा का किरण है हमारे लिए सबसे, इसके कारण हम शायद हम दुनिया को दिखा सकते हैं किस तरीके से ये लॉ मिसयूज हो रहा है। ओके, थैंक्स। किस हद तक मिसयूज होता है और कहाँ तक ये लोग जो बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग फेमिनिस्ट, कहाँ किस हद तक वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, और शायद इनोसेंट लोग बच जाए, ये शायद इनोसेंट लोग भी बच जाए और अथॉरिटीज को भी आग खुल जाए। हाँ।